पब्लिक को, व्यापारियों को, वकीलों को, सबको आप उपेक्षित करेंगे तो पब्लिक 2024 में आपको भी उपेक्षित करेगी। 24 में यही हुआ है, अगर जनता यहाँ पे कितने साल से मेनका गांधी, वरुण गांधी MP, आज तक कोई फैक्ट्री नहीं लगी, ना ही जनता के लिए कोई समस्या भाई, सिर्फ सड़क लैन फैन जो इनसे का होते हैं। जीते कैसे? बात से जीते थे 420 से, और घोसला से जीते थे, और कैसे जीते थे, बेईमानी से जीते थे। फैक्ट्री लगाते 10 साल हो गई वरुण गांधी को, मेनका गांधी को, 10 साल में कोई विकास दिखाई दे? नहीं, शेख योगी जी से नाराज नहीं है, मोदी से भी नाराज है। मोदी में है तम, लेकिन अगर जो उनके प्रतिनिधि हैं, जो सांसद हैं, उन्हें टाइट नहीं करेंगे और अच्छे जनप्रतिनिधि नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर जहां मोदी जी की 100 सीटें जीतनी है वहां पर पता चलेगा 90 रह जाएंगी। तो वहां पर यही एक सवाल रखा गया था कि आपके सांसद क्या सो रहे हैं, आपके सांसद को यहाँ एक पत्र लिखना चाहिए था, और यहाँ की जो रेलवे की समस्या है उसका सबसे बड़ा दायित्व जो है सांसद महोदय का है। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक, मैं हूँ सौरभ पांडे। आने वाले 2024 में लोकसभा चुनाव है जिसको लेकर सभी पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं, लेकिन इन चुनाव में जिनका सबसे अहम रोल होता है वो है जनता। जनता क्या सोच रही है आने वाले 2024 के चुनाव के लिए, इसलिए यूपी तक जनता के बीच जा रहा है। हम इस समय पीलीभीत की सबसे बड़ी विधानसभा पूरमपुर में है, जो हमेशा निर्णायक भूमिका में रहती है, और हम यहाँ खड़े हैं। ये गुलाटी जी की दुकान है, ये दुकान बहुत ही फेमस है, या यूँ समझ लीजिए यहाँ पर प्रदेश लेवल से लेकर जिला स्तर के सभी अधिकारी और नेता यहाँ पर आते हैं, चर्चा करते हैं, बैठते हैं। ऐसा कोई अधिकारी नहीं जो यहाँ आता ना हो, और यहाँ कोई ऐसे विधायक मंत्री नहीं जो यहाँ पर आता ना हो। लोग तो यहाँ तक कहते हैं जो विधायक यहाँ बैठता है वो अगली बार जीतता है, नहीं तो वो हार जाता है। ये चर्चा यहाँ पर होती है, और ये जो आप भीड़ देख रहे हैं ये यहाँ पर जब तक दुकान खुलती है तब तक रहती है। व्यापारी, राइस मिलर, डॉक्टर, वकील, अध्यापक, सबका यहाँ पर बैठना उठना है। तो हम ये चुनाव जो चौपाल है यहाँ शुरू करते हैं और चलते हैं इस चौपाल की तरफ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हंसराज गुलाटी है, मैं उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। क्या कहना है आने वाले 2024 के चुनाव को लेकर? देखिए, पूर्ण बरेली मंडल के अंदर पूर्णपुर जो हमारा तहसील है वो सबसे ज्यादा राजस्व देता है, लेकिन बड़ा दुख है और अफसोस साथ कहना पड़ रहा है, ये हमेशा उपेक्षित किया गया। यहाँ राजनीति लोगों ने कोई ध्यान नहीं दिया। हमारे यहाँ 60 राइस मिल है, 5 फ्लोर मिल है, शुगर मिल है, दुनिया भर का इतनी इंडस्ट्री हमारे हैं। उसके बाद भी देखिए, 2017 से बड़ी लाइन बंद पड़ी है। हमने अनेकों बार GM साहब को, DRM साहब को ज्ञापन दिया, राजनीति लोगों को भी ज्ञापन दिया, लेकिन राजनीतिक के उदासीनता के कारण यहाँ वो भी नहीं हो पाया। पूरमपुर से पीलीभीत से पूरमपुर तक का 4 लेन बनना था, वो भी नहीं बन पाया। ये सब चीज़ों को देखते हुए यहाँ पूरमपुर को, तहसील को उपेक्षित किया गया है। यहाँ पर अगर इसका जो असर है, अगर ये कार्य नहीं पूरे हुए तो इसका 24 में अवश्य पड़ेगा। मैं सभी राजनीतिक लोगों से फिर मैं कहना चाहूंगा कि शीघ्र इस बारे में बड़ी लाइन को शुरू किया जाए। क्या लग रहा है चुनाव में क्या हो सकता है? देखिए, काम देखिए अगर नहीं होगा तो व्यापार, जब आप पब्लिक को, व्यापारियों को, वकीलों को, सबको आप उपेक्षित करेंगे तो पब्लिक 2024 में आपको भी उपेक्षित करेगी, आपको अवॉइड करेगी। इसलिए अब देखिए आने वाले भविष्य बताएगा क्या होता है। देखिए अभी बारिश हुई है, किसानों का क्या हालत हुई है, पूरे जिले में सारा गेहूं खराब हो गया। हमारा मुआवजे के रूप में क्या मिला, 200 रुपये 500 रुपये एकड़ हमें मुआवजा मिल रहा किसानों को, ये बहुत ही गलत है। किसान भी नाराज है, व्यापारी वर्ग वो बस खुद नाराज है, तो इससे इसका असर जो है 24 में पड़ना चाहिए। क्या नाम है आपका? संजय गुप्ता, अध्यक्ष सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज पूर्ण। 2024 को लेकर क्या कहना है? आप आम जनता में से हैं तो क्या लग रहा है 2024 को लेकर? बच्चों को, आने वालों को बहुत परेशानी होती है। ग्रामीण क्षेत्र के 40 किलोमीटर तक के बालक पढ़ने आते हैं, बस से आते हैं, और आने जाने का किराया देना भी उनको बहुत महंगा पड़ता है।
उनकी पढ़ाई भी प्रभावित होती है, रिजल्ट भी प्रभावित होता है और पूरनपुर का व्यवसायी भी बहुत परेशान है क्योंकि कस्टमर आ ही नहीं पाता है। किसान परेशान है, व्यापारी परेशान है। क्या नाम है आपका? विजय पाल सिंह, प्रांतीय उपाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल। क्या लगा 2024 में क्या होगा चुनाव में आपके हिसाब से? यहाँ की जनता की जो अपेक्षा की गई है आज के टाइम में, यहाँ साइड राइस मिले जिसमें 56 वर्किंग में है, सबसे जिले की बात करिए, पूरे जिले में तो 100 से ऊपर राइस मिले हैं। उसकी वजह यह है कि धान यहाँ बहुत पैदा होता है। पूरनपुर तहसील सबसे ज्यादा राजस्व देता है। आज 6 साल होने जा रहे हैं बड़ी लाइन को बनते हुए, अभी तक कभी कहते हैं जंगलात एनओसी नहीं दे रहा, कभी कोई नहीं। सारी चीजें गवर्नमेंट की है, गवर्नमेंट चाहे तो इसको कल शुरू कर सकती है, मगर पता नहीं क्या कर रहे हैं वहां बैठे हुए लोग। राजनीतिक लोग भी इसमें तो और ध्यान नहीं दे रहे, इसका असर तो चुनाव में देखने को मिलेगा। क्या कौन जीत सकता है, कौन हार सकता है, ये तो जनता ही बताएगी। जनता निर्णायक है, जनता नाराज है, इतना कष्ट हुआ है, जनता नाराज है, बिल्कुल नाराज है। जो जिस 25 रुपए के किराए में जो आदमी पीलीत पहुंच सकता था, 60 रुपए किराया खर्च करके समय की बर्बादी हो रही है, पैसे की बर्बादी हो रही है। शौचालय घर भी फ्री मिले, खाली नाम के लिए मिले, कहां शौचालय घर। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? अजय खंडेलवाल। क्या लग रहा है 2024 को लेकर, आप व्यापारी हैं तो क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये पूरनपुर और पीलीभीत जिला जो पूरा है, पूरा जनप्रतिनिधि ने जो है उपेक्षित कर रखा है। चुनाव के समय में सब लोग सामने आते हैं, जब जनता की समस्याएं होती है सब लोग गायब हो जाते हैं। 2017 से आज 6 साल हो चुके हैं, किसी भी जनप्रतिनिधि ने यहाँ से बड़ी लाइन को जो है चलाने का प्रयास नहीं किया है। और जब कहीं आवागमन के साधन ही नहीं होंगे तो कहाँ से व्यापार होगा, कहाँ से और तरक्की होगी? लोग कहते हैं सड़क बन गई, सड़क बन गई, सड़क बनने से क्या होता है? जो आदमी 20 रुपये में, 25 रुपये में तहसील मुख्यालय नहीं पहुँच पा रहा है, 60-70 रुपये खर्च करके जा रहा है, तो निश्चित रूप से जनता की उपेक्षा हुई है। समस्या कौन पार्टी दूर कर सकती है? पार्टी क्या, जनप्रतिनिधि जो यहाँ चुने जाते हैं, इस अपेक्षा से चुने जाते हैं कि वो लोग कुछ काम करेंगे, लेकिन वो काम करने तैयार ही नहीं। जब वोट मांगने का समय आएगा तो आ जाएंगे सामने, उसके बाद गायब हो जाएंगे। हमारे पीलीभीत जिले का दुर्भाग्य रहा कि यहाँ स्थानीय प्रतिनिधि नहीं बना कोई आज तक। बाहर से लोग आते हैं यहाँ के, अपने काम करके चले जाते हैं, महीने दो महीने में जब वो आएंगे तो उन्हें क्या पता यहाँ की जनता क्या समस्या है। क्या नाम है आपका? श्यामनाथ भारद्वाज। नेताजी भी है? हाँ, नेता। कौन सी पार्टी? कांग्रेस सर। क्या लग रहा है, कांग्रेस का बंटा ढा रहा है इस समय? बंटा ढा रहा है, आने वालों समय कांग्रेस को ही, चाहे 4 साल बाद आए चाहे 1 साल बाद आए, तो नेता और सांसद रहे ना। इनकी विदाई होने जा रही है। किसकी? बीजेपी की। क्या लग रहा है 2024 में? 24 में यही हुआ है, अगर जनता यहाँ पे, कितने साल से मेनका गांधी, वरुण गांधी एमपी, आज तक कोई फैक्ट्री नहीं लगी, ना ही जनता के लिए कोई समस्या भाई, सिर्फ सड़क लैंड फैन जो इनसे का होते है। जीत कैसे रहे? जीते जे है बात से जीते थे 420 से, और घोसला से जीते थे, और कैसे जीते थे, बेईमानी से जीते थे। फैक्ट्री लगाते 10 साल हो गई वरुण गांधी को, मेनका गांधी को, 10 साल में कोई विकास दिखाई दे। वोट तो बहुत मिलता है उन्हें, वोट तो मिल ही जाते हैं, वे कहते हम ईमानदार हैं। अरे कांग्रेस अब जीते कैसे? कांग्रेस आने वालों समय कांग्रेस को ही हुए है। कब? 2-4 साल 6 साल लग जाए, आने वालों कांग्रेस हुए है, कांग्रेस ही उद्धार कर सकत है। 8-10 साल से कांग्रेस उद्धार कर सकती है। हम और जो हमारे बैठे हैं युवा लोग भी हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम डॉक्टर अमन नागी है। मैं लकी चिल्ड्रन सीनियर सेकेंडरी स्कूल का डायरेक्टर हूं और पूरनपुर सीबीएसई स्कूल एसोसिएशन का सेक्रेटरी हूं। क्या लग रहा है आपको, जो 2024 आने वाला है, चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई, तो आप युवा है और स्कूल चलाती है, तो क्या लग रहा है क्या हो सकता है 2024 में? देखिए, सबसे पहले तो मैं 2024 की सीधे बात नहीं करता हूं, मैं अपने क्षेत्र के विकास की बात करता हूं। हमारे क्षेत्र में पूरे पीलीभीत की करिए, पूरे पीलीभीत की ही बात कर लेते हैं। हमारे यहाँ पे अभी भी ट्रेन रेल व्यवस्था ठीक नहीं हो पाई है। समस्या सबने बताइए, कुछ और बताइए। सबसे मेन समस्या तो हमारी यही है, जैसे अभी मैंने टीचर्स अपॉइंट किए हैं बाहर के, या यहाँ के स्कूल बाहर के टीचर्स भी अगर अपॉइंट करते हैं तो यहाँ पे टाइमली पहुँच नहीं पाते हैं, और लोग सोचते हैं कि पता नहीं कौन सा जंगल का पिछड़ा इलाका है जहाँ पे ट्रेन तक नहीं जाती है। तो अभी मैंने इस समय कोई टीचर अपॉइंट किए थे, वो आने के बाद कोलकाता से अपॉइंट किए थे, उन्होंने बरेली के बाद देखा कि ये जंगली एरिया है, यहाँ पे कोई कुछ आता ही नहीं है, कि बिल्कुल कोई प्रॉब्लम हो जाएगी यहाँ पे। सबसे ज़्यादा सेफ्टी का डर लोगों को लगता है, पर मैं अभी भी योगी सरकार की मैं ये तारीफ करता हूँ कि सेफ्टी के लिए वैसे बेसिकली हमें यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती,
सारी चीजें वैसे व्यवस्था ठीक है, परंतु बहुत ज्यादा विकास की अभी जरूरत है इस क्षेत्र में। सुरक्षा का इंतजाम है लेकिन रेलवे व्यवस्था अच्छी नहीं है। यहाँ पे बता दें आपको, ट्रेन की सुविधा बंद है और कई सालों से लगातार काम चल रहा है, लेकिन अभी तक यहाँ पर ट्रेन विद्युत तरीके से नहीं चल सकी है और ना यहाँ से कोई ट्रेन ऐसी नहीं है इस जिले से कि सीधे आपको लखनऊ और दिल्ली पहुँचा सके। अन्य लोगों से बात करते हैं, क्या नाम है आपका? हमारा नाम बलजीत सिंह खैरा है। क्या करते हैं आप? हम गुरुद्वारे के संरक्षक हैं और 14-15 साल से हम अध्यक्ष रहे हैं। तो 2024 में क्या लग रहा है? देखिए, सरकार योगी सरकार लगभग सही चल रही है, लेकिन फिर भी बहुत कमियां हैं। एक तो सब मोदी सरकार, योगी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार की हम बात नहीं करते, यूपी सरकार की बात करते हैं। मोदी सरकार की बात कर रहे हैं? मोदी सरकार की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम यूपी सरकार की बात कर रहे हैं। हम मोदी की कर रहे हैं, 2024 तो मोदी आएगा ना। मोदी भी अगर अच्छा विकास करेंगे और सब सबको सुरक्षा और सबको देंगे तो मोदी भी आ सकते हैं। नहीं तो कौन आ सकता? नहीं तो जो उनके पॉजिट होगा वही आएगा, जो अच्छे काम, जो पब्लिक को सब सहूलत देगा, जो पब्लिक को सुरक्षा व्यवस्था देगा, जो स्वास्थ्य के लिए अस्पताल अच्छे देगा, वो आएगा। सिख बाहुल क्षेत्र है, सिख बाहुल क्षेत्र है, सिख ज्यादा है इस जिले में, तो क्या लग रहा है, सिख क्या नाराज है? नहीं, सिख योगी जी से नाराज नहीं है, मोदी से है। मोदी से भी नाराज है। किस बात पर? क्यों? एक तो वो किसानों को कोई सहूलत नहीं है, किसानों के सबसे बड़ी मेन बात यह है कि बीमा योजना कोई सरकारों की नहीं है, जो कि लास्ट जब फसल पकती है तो बरसात आती है, फसल खराब हो जाती है, उसके लिए बीमा योजना कोई नहीं है। किसान सारा खेती का खर्चा उठाता रहता है, जब फसल पकती है तो बरसात उसका खराब कर देती है, और सरकार की तरफ से कोई ऐसी योजना नहीं है कि जो उनको बार बार बीमा दे सके। किसान परेशान है मोदी सरकार में। क्या नाम है आपका? संजय सक्सेना एडवोकेट। क्या करते हैं आप? मैं यहाँ वकालत करता हूँ और बार एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ यहाँ पर। 2024 का चुनाव आने वाला है, क्या लग रहा आपको? देखिए, ऐसा है कि 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है, इसमें मेरा अपना मानना यह है कि मोदी जी आएंगे तो जरूर दोबारा, इसमें कोई दो राय नहीं। बहुत अच्छे काम किए हैं, दुनिया में नाम हुआ है, योगी सरकार ने भी काम किया है और बड़ा सुरक्षा बढ़ी है, लेकिन जो है जो उनके जनप्रतिनिधि हैं, जैसे पीलीभीत में जो भारतीय जनता पार्टी ने सांसद बनाए यहाँ पर, मुझे लगता है वो यहाँ जनपद पीलीभीत की समस्या को जो है मेरे ख्याल से केंद्र सरकार को अवगत नहीं कराते हैं और उनकी ओर ध्यान नहीं देते हैं। तो एक फर्क तो पड़ सकता है 2024 के चुनाव में कि अगर खाली मोदी जी के ही नाम पर कि मोदी में है दम, लेकिन अगर जो उनके प्रतिनिधि हैं, जो सांसद हैं, उन्हें टाइट नहीं करेंगे और अच्छे जनप्रतिनिधि नहीं चुनेंगे तो निश्चित तौर पर जहां मोदी जी की 100 सीटें जीतनी है वहां पर पता चलेगा 90 ही रह जाएंगी। ऐसे ही जनपद पीलीभीत जो है, यहाँ की बहुत उपेक्षाएं हुई है कई मामले में, यहाँ पर रेल लाइन तन 16 से बंद है, बताइए लखनऊ यहाँ पर वादकारी वकीलों के लिए आना जाना, आपातकारी के लिए आना जाना, पब्लिक के लिए आना जाना, सब बंद है। बताइए 2016 से रेल लाइन बंद है, कितनी बड़ी शर्म की बात है कि मोदी सरकार में जो है रेल लाइन सन 16 से बंद है, इसको शुरू हो जाना चाहिए था और अभी तक शुरू नहीं हुई है, बहुत दुख की बात है। ये सारी जगह काम हो रहे हैं, जनपद की उपेक्षा हो रही है, रेल लाइन की बहुत बड़ी समस्या है, जनता को समस्या है, व्यापारी को समस्या है, वकीलों को समस्या है, किसानों को समस्या है, ये रेल लाइन बहुत शीघ्र शुरू होना चाहिए। इसके अलावा जो है यहाँ पर शारदा का पुल किलोमीटरों लंबा है, हर साल यानी कितने लोग जो है बर्बाद हो जाते हैं,
बेघर हो जाते हैं। सरकार का करोड़ों रुपया खर्च होता है लेकिन आज तक सरकार शारदा पे जो है पुल नहीं बना है। और यहाँ पर हमारे यहाँ एक समस्या हो रहा है कि जनपद पीलीभीत में उत्तर प्रदेश में पूरनपुर सबसे बड़ी तहसील है और यहाँ पर जो है अभी तक जो है मुंसिप न्यायालय की स्थापना नहीं हुई, जबकि ये सरकार की बनाई हुई नीति है, विकेंद्रीकरण नीति के तहत अभी तक यहाँ न्यायालय की स्थापना नहीं हुई है। मैं कहना चाहता हूँ सब समस्याएं दूर कौन कर सकता है, ये समस्याएं जो है इस समय जो सत्ता में हमारे मोदी जी हैं, हमारे योगी जी हैं, ये दूर कर सकते हैं, इनके हाथ की बात है। ये तो है, दूर तो कर ही नहीं उन्होंने। नहीं, दूर करें, करना चाहिए, इसका इन्हें लाभ मिलेगा, और नहीं करेंगे तो इसका नुकसान निश्चित तौर पर इसकी भरपाई करनी पड़ेगी। बहुत समस्या गिनाई वकील साहब ने। अब हम जो हमारे अगले भाई साहब हैं, क्या नाम है आपका? उमर खान, यूके बैटरी मेरा प्रतिष्ठान है। पहले मेरे तीन दुकान 2024 में लेकर क्या कहना आपका? बात कर रहा हूँ, मेरा जो व्यापार कम हुआ है, दो तीन दुकानों की एक दुकान रह गई, जो 2016 से रेलवे जो सबकी शिकायत है वही मेरी शिकायत है हमारा। और बताइए समस्या, ये तो रेलवे की हो गई है। सबसे बड़ी यही है कि हम मोदी भक्त हैं लेकिन मोदी जी और राहुल गांधी से, वरुण गांधी से ये शिकायत है कि रेलवे का सबसे बड़ा जो हमारा जो पूरनपुर का क्षेत्र बर्बाद है, फेल है, उसका सबसे बड़ा जो है वो रेलवे का ही है। हमें शिकायत चाहिए है, शिकायत ये है कि रेलवे अगर चालू नहीं होगा तो मोदी जी को यहाँ से नुकसान उठाना पड़ेगा। और आपकी ट्रेन कौन चलवा सकता? मोदी जी और जो यहाँ के सांसद है ये उनका काम है, उनको देखना चाहिए था। हम और हमारे जितने व्यापारी आंदोलन कर चुके हैं, आंदोलन करते करते थक गए, अब हाथ पे हाथ रख के बैठ गए। यहाँ के सांसद की तो बीजेपी से बनती नहीं है। नहीं बनती तो इसमें हमारा दुर्भाग्य ही कहा जाएगा। अब आगे मोदी जी डायरेक्ट अगर कुछ कर सकते हैं तो ट्रेन चलवाते हैं, हमारा व्यापार यहाँ से शुरू हो जाए, हम वोट देंगे, ये हमारा वायदा है। मोदी जी दोबारा आएंगे तिवारा से। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ जी के लिए। ट्रेन बंद है, बड़ी समस्या है, लगभग सभी की समस्या है, स्कूल व्यापारी व्यक्ति सबकी समस्या ट्रेन से जुड़ी हुई है। इसके अलावा बात कीजिए, क्या नाम है आपका? समरवीर सिंह, कृषक परिवार से संबंध रखता हूँ। तो 2024 है, बीजेपी अपने वादे कर रही है, कांग्रेस अपने वादे कर रही है, क्षेत्रीय पार्टी है, सपा बसपा सब अपनी अपनी बातें कर रही है 2024 को लेकर, लेकिन आम जनता के मन में क्या है 2024 को लेकर? देखिए राष्ट्रीय स्तर पर बहुत समस्याएं हैं और जिस प्रकार से हमारे पूरे देश में रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, एक तो उसका बड़ा अभाव है इस वक्त में। किसी विशेष एजेंडे से हमारा देश नहीं चल सकता, चूंकि हमारा देश जो है विविधताओं से भरा हुआ है। मोदी जी सन 2014 में आए और सब लोगों ने बड़ी उम्मीद करके उनको वोट दिया और बहुत बहुमत से उनको जिताया, 2019 में भी जिताया, लेकिन जैसी अपेक्षा थी वैसी अपेक्षाएं जो है हम लोगों को प्राप्त नहीं हो रही है। हमारे क्षेत्र में बड़ी निराशा है इस बात को लेकर के। हमारा क्षेत्र क्या, पूरा हिंदुस्तान जो है वो कृषक प्रधान देश है और सबसे उपेक्षित अगर कोई व्यवसाय है तो कृषि व्यवसाय है, कृषि क्षेत्र है। जितना जीडीपी में कृषि का योगदान है इतना किसी और क्षेत्र का योगदान नहीं है, उसके बावजूद कृषि सबसे उपेक्षित है। हमारे यहाँ गन्ना चीनी मिल है लोकल में, ये बीमार मिल है, वर्षों पेमेंट नहीं मिलता, घटतौली होती है, कभी चलती है कभी नहीं चलती है, विस्तार के लिए पैसा आया लोग उसको जो है भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। वो हमारे जितने भी यहाँ के जो है किसान है वो इतना परेशान है, उनके खून के आंसू रो रहे हैं वो लोग। पूरे यूपी का जो सबसे बड़ा तहसील पूरनपुर तहसील है जहाँ इतना अन्न पैदा होता है, उसको संभालने के लिए गवर्नमेंट की पूरी व्यवस्था चरमरा जाती है, पूरी व्यवस्था बनती है लेकिन उसके बावजूद व्यवस्था चरमरा जाती है। तो ये किसानों की ऐसी समस्याएं हैं, मतलब जो किसान उससे पीड़ित है। पहले कभी किसान के लिए जाता था किसान अपना 2 क्विंटल वाला भी 3 क्विंटल वाला भी जाके अपना सेंटर में गेहूँ चला के बेरर चेक ले आता था। उसके बाद में अधिकारियों ने, पूरे गवर्नमेंट के ब्यूरोक्रेट्स ने इसको पूरा ऐसा उलझा दिया है नेताओं को समझा करके कि साहब कहीं वो जोत बही लाइए, कहीं साहब रजिस्ट्रेशन कराइए, कहीं वो कराइए, कहीं वो कराइए। तो जो सीमांत किसान, छोटा किसान है वो हार के अपना आर्थिक को बेच देता है। और जो 2024 में कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है? बिल्कुल साहब, इसका प्रभाव जरूर पड़ेगा 2024 में। और जनता जो है इस मामले में बहुत त्रस्त है, जनता जो है अभी कंफ्यूज है, वो समझ नहीं पा रही है कि मतलब किस तरफ जाया जाए, किस तरफ लिख जाए, लेकिन जनता में असंतोष है। मैं बहुत कम शब्द की बात कहकर जनता में असंतोष है और जनता अभी जितने चुनाव हुए जनता ने भारी बहुमत से बीजेपी को जिताया। नहीं, वो चुनाव के उतने बहुमत से जीतने की आशंका बीजेपी सरकार की नहीं है इस बार। हमारी अपनी जो हमने जो अपने आकलन किया है अपने क्षेत्र में, उसके पीछे साफ गोई है, भले ही जनता सामने अपना भाई शासन के दबाव में या मतलब गवर्नमेंट के दबाव में हर आदमी खुलता नहीं है, लेकिन मौके पे अपना वोट कहाँ डालेगा, कैसे डालेगा, ये तो वही जान सकता है, जनता ही जान सकती है। लेकिन जिस तरीके से देश चल रहा है, जिस तरीके का समाज में एक माहौल बन गया है,
वो एक खास एजेंडे से ये देश चलने की स्थिति में नहीं है। बहुत कम शब्द की बात आके मैंने बात आपसे चाहता हूँ। क्या नाम है? रजनीश कुमार सक्सेना, एडवोकेट। 2024 का चुनाव आने वाला है, तो ऐसे में क्या लग रहा है आपको, क्या कंडीशन बन सकती है, लोग किस तरफ जा सकते हैं? भगवा ही फहराएगा और हर हर मोदी घर घर योगी, यही नारा हम पे कायम रहेगा और फिर से मोदी जी की सरकार बनेगी और जो समस्याएं क्षेत्र की हैं वो उन पर भी सरकार को कुछ ध्यान देना चाहिए ताकि यहाँ की जो रेल लाइन है और सड़क का जो है वो सड़क भी अधूरी पड़ी हुई है, उसका बजट एक बार आया था वो अस्वीकृत होकर के फिर वापस हो गया। रेल लाइन जो है वो भी शुरू नहीं हो पाई है, उससे आम आदमी को का किसान और व्यापारी वर्ग सभी परेशान हैं और मेरा अपने क्षेत्र के सांसद और विधायक से ही निवेदन है कि उनके द्वारा रेल लाइन और सड़क यातायात को सुचारू रूप पर आने के लिए, सड़क को 4 लेन बनवाने के लिए प्रयास करना चाहिए ताकि मोदी जी की छवि और योगी जी की छवि पूरनपुर तहसील में, पूरे जनपद में कायम रह सके। यह ज्यादातर प्रतिनिधि सारे बीजेपी के हैं, तो कहाँ कमी है? कमी सारे नेता आपके हैं, पार्टी आपकी है, फिर कमी कहाँ? जी, नीतियां सरकार से तो अच्छी आ रही हैं और ऊपर से जो भी योजनाएं हैं आती हैं, लेकिन उनका क्रियान्वयन जो है वो यहाँ के नीचे स्तर पर, जिले स्तर पर के अधिकारी और जो प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा उनको जो है सख्ती के साथ में अमल नहीं किया जाता है। उसी का प्रभाव यह है कि आम जनता परेशान है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जाहिद खान, नगर अध्यक्ष व्यापार मंडल पूरनपुर। 2024 को लेकर क्या ख्याल है आपके? हमारे सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की है हमेशा व्यापारियों की सरकार कही जाती है और हमारे जितना भी व्यापारी वर्ग है वो 90% भारतीय जनता पार्टी को वोट करता है। क्यों? कि अगर ना भी करे तब भी व्यापारी भारतीय जनता पार्टी का ही कहलाता है। मन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारा व्यापारी वर्ग त्रस्त है। सब जो हमारे यहाँ से 16 से जो रेल लाइन बंद हुई है, जो रेलें बंद हुई हैं, वहाँ यहाँ के जनप्रतिनिधि, यहाँ के विधायक, MP उसको सही तरीके से शासन में नहीं पहुँचा पाए। हमारे व्यापार मंडल ने वक्त बेवक्त हमेशा शासन को आगाह किया, प्रशासन को आगाह किया, अधिकारियों से हमेशा वार्तालाप की। जब जब रेलवे के अधिकारी पूरनपुर में प्रस्थान किया उनके आगे अपनी समस्याएं रखी, मगर बड़े अफसोस के बाद कहना पड़ता है कि किसी ने इस पर गौर नहीं किया। हमारा 2024 में क्या लग रहा है आपको? हमें यही लग रहा है, लग तो यही रहा है कि व्यापारी तो हमेशा बीजेपी के साथ ही है और अच्छे काम करना चाहिए, व्यापारी फिर उनको वोट देगा। और सभी यहाँ पर व्यापारी थे लेकिन सबने समस्या बताई, फिर भी मोदी, देखिए फिर भी मोदी का सवाल यह है, विकल्प नहीं है कोई, कोई भी विकल्प मोदी का नहीं है और ना विकल्प आने वाले टाइम में भी विकल्प नहीं है, क्योंकि मोदी जी के पीछे सारे लोग एकजुट होकर खड़े हुए हैं और राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी रोटियां पर सेक रही हैं, इसलिए कोई विकल्प ही नहीं है मोदी जी। समस्या है लेकिन विकल्प नहीं है। क्या नाम है अंकल आपका? संजय कुमार मिश्रा, प्रधानाचार्य सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज। क्या लग रहा है आपको 2024 में? 2024 में लगने की क्या बात है, ये तो तय है कि मोदी जी की सरकार आएगी, लेकिन अभी जो समस्याएं हैं ऊपर तो कुछ ठीक है, लेकिन जो सामान्य पब्लिक की समस्या है उस पर मोदी जी को ध्यान देना चाहिए। स्कूलों की समस्या है उस पर भी ध्यान देना चाहिए। मैं एक उदाहरण देके आपको बताता हूँ कि सड़क तो बन गई है लेकिन पानी निकलने में नाले की बहुत कठिनाई होती है, तो हम और अध्यक्ष जी माननीय हमारे और प्रबंध कमेटी के अन्य सदस्य भी लगातार अधिकारियों से संपर्क किया, साल भर हो गया लेकिन उस पानी की समस्या का निदान नहीं हो पाया। ऐसे अधिकारी ऊपर से तो ठीक है, तो जिले में क्या हो सकता है 2024 को लेकर? 2024 को लेकर जिले की जो विभिन्न समस्याएं, सड़क बनी है, कहीं लिंक रोड टूटे हुए, समस्याओं से क्या फर्क पड़ेगा? फर्क तो ये पड़ सकता है कि कुछ अच्छा, बहुत अच्छा होने वाला है तो अच्छा हो जाए, ऐसा ना ऐसा है कहीं अगर मोदी जी की 100 सीटें निकलने वाली हैं तो 95 ही निकले, इतना फर्क पड़ता है। समस्या है, सीटें कम हो सकती है। क्या नाम अंकल आपका? और कुछ लोग हमारे साथ में हैं, कुछ युवा लोग हमारे साथ में हैं, कुछ पत्रकार साथी हमारे साथ हैं। हाँ, क्या नाम है आपका? नहीं, आप पत्रकार हैं, पूरी जिले की खबर लिखते हैं, देखते हैं, तो लोगों से मिलते भी हैं, तो क्या लग रहा है आपको
जिले की पत्रकारिता को देखते हुए आपने जो अब तक लिखा है, लोगों से मिले हैं, बातचीत करी, क्या लगता है 2024 को लेकर क्या हो सकता है? भाई इस संबंध में हम कोई क्लियर नहीं बात कर सकते। तो क्या समस्या है आपके यहाँ, क्या समस्या है जिले? मेन हमारे रेलवे की समस्या है। ये बता दी, और समस्या क्या है? रेलवे समस्या के अलावा सड़कें हैं और बहुत सी हैं जो शासन द्वारा आदेश जारी किए जा रहे हैं, जैसे जो गौवंशीय पशुओं का है, सड़कों का है और तमाम चीज है, बिजली पानी है, कोई अधिकारी कोई इस पे अमल नहीं कर रहा। सब पशु अभी घूम रहे हैं, आप भी घूम रहे हैं, 6 तारीख का अभियान था उसके तहत कुछ नहीं हुआ, आज भी पशु मारे मारे घूम रहे हैं, यहाँ तक कोतवाली तहसील सरकारी कार्यालयों तक में घूम रहे हैं, लेकिन कोई अंकुश नहीं है। क्या आइए इधर आइए, क्या नाम है आपका? मनोज मिश्रा। क्या लग रहा है आपको 2024 को लेकर? 24 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी पूरे सुदृढ़ पूरी मजबूती के साथ। ट्रेन तो चली नहीं आज तक आपको? ट्रेन चलाने के लिए व्यवस्था बनाई जा रही है, सरकार से बात की जाएगी, लेकिन इसमें माननीय सांसद महोदय जी का बहुत बड़ा योगदान है। उससे पहले जब यहाँ की ओवर ब्रिज अंडर बेस की लाइन पार की समस्या को लेकर हम लोग दिल्ली गए थे, तो वहाँ पर यही एक सवाल रखा गया था कि आपके सांसद क्या सो रहे हैं, आपके सांसद को यहाँ एक पत्र लिखना चाहिए था। और यहाँ की जो रेलवे की समस्या है उसका सबसे बड़ा दायित्व जो है सांसद महोदय का है, और सांसद महोदय को पूरी ताकत के साथ क्षेत्र की जनता की इस बड़ी समस्या के लिए उनको अपनी पूरी लड़ाई और जद्दोजहद करनी चाहिए थी, जो नहीं की गई है उसे किया जाना चाहिए। क्या नाम है आपका? गौरव पांडे। क्या लग रहा है 2024 को लेकर क्या हो सकता है? नहीं, 2024 का इलेक्शन मोदी योगी जी का है, लेकिन हमारे क्षेत्र की जो सबसे बड़ी समस्या है, एक तो यहाँ पे मुंसिफ कोर्ट नहीं है हमारे यहाँ, तो बहुत बड़ा एरिया है, पूर्णपुर तहसील बहुत बड़ी तहसील है, शारदा पार तक से लोग आते हैं, उनके लिए एक पुल की व्यवस्था होनी चाहिए, वो शारदा पे पुल आज तक किसी भी जनप्रतिनिधि ने उस बात को नहीं उठाया है। प्लस अभी कुछ दिनों पहले जो हमारे यहाँ फसलों की बाढ़ बरसात हुई है, जो बेमौसम की बरसात हुई है, उसने फसलों को बिल्कुल पट्ट कर दिया है, किसान बहुत बुरी तरीके से त्रस्त है और उसकी तरफ कोई सुनवाई नहीं है। उसके लिए जो मुआवजे की भरपाई करी जा रही है वो बहुत छोटी है, उसकी वो एक कहावत है कि ऊँट के मुँह में जीरा जैसी, उस भरपाई से कोई भी काश्तकार को कोई भी बहुत बड़ा फायदा नहीं, उसमें धान गेहूँ गन्ना सब समाप्त हो गया। क्या नाम? सुरेंद्र अग्रवाल, पूरनपुर से। क्या करते हैं? व्यापार। आइए, मोदी सरकार जिले में 2024 को क्या हो सकता है जिले में आपके? मोदी सरकार ही आएगी 2024 में, लेकिन मोदी सरकार को जीएसटी में संशोधन करने की बहुत जरूरत है, अभी तक हुए भी बहुत है और जुर्माने बहुत लगा दिए हैं जीएसटी में, उनको कम करना चाहिए। तमाम लोगों को आपने सुना, इसमें व्यापारी थे, वकील थे, इंजीनियर थे। अच्छा, एक क्या नाम है? डॉक्टर रविंद्र भारद्वाज हूँ मैं, केमिस्ट्री यूनियन का अध्यक्ष हूँ। मेरा कहना है 2024 को चुनाव होने वाला है, तो क्या राय है? भ्रष्टाचार बहुत अधिक है, अगर सत्ता और भाजपा ने ध्यान नहीं दिया तो विरोधी भी यहाँ आ सकता है, सपा भी आ सकता है। कौन विरोधी? सपा वाले आ सकते हैं, वही दो नंबर पे है समय। इसलिए पिछले चुनाव में सपा तो बहुत बड़े अंतर से हारती है, हर चुनाव में। हाँ जी, जितने चुनाव हुए सपा बड़े अंतर से हारी है सभी लोकसभा चुनाव में, लेकिन पब्लिक का जब मत किस समय बदल जाए ये नहीं कहा जा सकता। अगर क्षेत्र का विकास, पीलीभीत जिले का विकास नहीं होगा तो नतीजे जो हैं विपरीत भी आ सकते हैं। सभी लोगों का आपने सुना, बहुत समस्या बताई, बहुत समस्या है, लेकिन इन लोगों का कहना है कि विकल्प नहीं है। पीलीभीत से यूपी तक के लिए सौरभ पांडे।